लीमड़ी पंथक में खेतर में पानी फरी वड़िया खेडूत तो चिंता में मुकाया। लीमड़ी लखतर स्टेट हाईवे पर तंत्री की बेदरकारी कारण तावी डोरी हनुमान जी मंदिर पास कोजवे जगह नाड़ू ना मुकाता हजारों वीघा जमीन पानी में डूबी जगतना तात की चिंता में वधारो थयो। आ बाबते अनेकवार रजूआत करवा छता लीमड़ी थी लखतर सुधीना 36 किलोमीटर में फक्त आ एक ज कोजवे पर नाड़ू बनेल नहीं तथा गुजरात सरकार की लोक फरियाद निवारण कार्यक्रम में कोजवे की जगह नाड़ू मंजूर थी गये होवा छता आज दिवस सुधी त्या नाड़ू बनावेल नहीं तरह वर्षादी पानी योग्य निकाल न थता खेडूतो मुश्किली में खेडूतोना पाक में पानी फरी वड़िया तरह जगतनो तात कहवाता खेडूत मुश्किली में मुकायो। आप जोई सको छो तावी गामनी सीममा हजारों वीघा जमीन में पानी फरी वळ्युं छे अने सरकार श्री द्वारा कोजवेनी जग्याए नाळू मंजूर थई गयेलुं होवा छतां कार्यपालक इज्ञेश्रीनी कचेरी सुरेन्द्रनगर अने प्रतिश्री अधीक्षक इज्ञेश्री मार्ग अने मकान वर्तुळ एक राजकोट आ सरकारी तंत्रनी बेदरकारीना कारणे नाळू मंजूर थई गयुं होवा छतां आज दिवस सुधी नाळानुं काम थयेल नथी अने कोजवेनी जग्याए नाळू न थतां अनेक खेडूतोनी जमीन पर पाणी फरी वळेल छे अने वर्षोथी चोमासु पाकनुं उत्पादन लई शकता नथी केम के चोमासामां पाणीनो योग्य निकाल न थता हजारों एकरमां पाणी भर्युं रहे छे अने पाकनुं धोवाण थाय छे अने जमीननुं धोवाण थाय छे। तो तावी लीमड़ी लखतर स्टेट हाईवे पर तावीनी बाजूमां आ कोजवेनी जग्याए जो नाळू थई जाय तो पाणीनो योग्य निकाल थई शके। आपना माध्यम थी तावी गामना खेडूतो वती जणावानुं के लीमड़ी थी लखतर सुधीना 36-37 किलोमीटरना स्टेट हाईवे में फक्त आ एक जग्याए ज कोजवे होय सरकारी नियम मुजब स्टेट हाईवे पर कोजवे होवुं न जोईए कोजवेनी जग्याए नाळू मंजूर थई जाय छे छतां तंत्रनी बेदरकारीना कारणे कार्यपालक इजनेश्री कचेरी सुरेन्द्रनगर अने सरकारी तंत्रनी बेदरकारीना कारणे आ कोजवे पर आज दिवस सुधी नाळू बनेल नथी। अनेक वखत खेडूतोए પોતાના લેવલેથી રજૂઆત કરેલી છે છતાં તેનું કોઈ યોગ્ય નિરાકરણ થયેલ નથી। લખતર ખાતે લોક ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આ કોજવેની જગ્યાએ નાળું સરકારશ્રીની યોજના મુજબ મંજૂર થઈ ગયેલ અને છતાં આજ દિવસ સુધી ત્યાં નાળું બનેલ નથી। જો આ નાળું બની જાય તો રોડ રસ્તો પણ કોઈ દિવસ બંધ ન રહે અને ખેડૂતોને જે પાક ધોવાણ અને જમીન ધોવાણ થાય છે તે અટકી જાય અને ચોમાસું વાવેતર કરી શકે અને ચોમાસું પાક લઈ શકે। તમે જોઈ શકો છો વર્તમાન સમયમાં મોંઘા ભાવના બિયારણ અને ખેતીના જે ડીઝલના મોંઘા ભાવ હોવાથી ખેડૂતોએ હજારો રૂપિયાનું રોકાણ કરી અને પોતાનો પાક ઊભો કરેલો અને આ પાણીના કારણે તેને પારાવાર મુશ્કેલી પડેલ છે પાકનું ધોવાણ થઈ ગયેલ છે અને જમીનમાં પાણી ફરી વળેલ છે। તો આ કોજોની જગ્યાએ જો નાળું બની જાય તો ખેડૂતોને ફાયદો થઈ શકે તેમ છે।